चलो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। W बाई क्यू ऑफ ए कर्नल इंजन W 1/6 है। W बाई क्यू क्या होता भैया? W बाई जो क्यू होता है इफिशियंसी होती है वो 1/6 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द टेम्परेचर ऑफ सिंक 62 कम कर दिए। ठीक है, ये हम लोगों का इंजन होता है बेसिकली। तो ये वर्क डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये सोर्स Q1, टेम्परेचर T1, सिंक T2 और ये T2 और Q2। यहाँ से हीट अब्जॉर्ब होगा, बेकार हीट सिंक को चली जाएगी, बचा हुआ वर्क डन हो जाएगा। पहले वर्क डन होगा, बचा हुआ बेकार सिंक को चला जाएगा। अब कहता है अगर मैं इसका टेम्परेचर घटाता हूँ, सिंक का टेम्परेचर कम करता हूँ, तो सिंक का टेम्परेचर कम करने से जो वर्क डन है वो बढ़ेगा। वर्क डन बढ़ने से इफिशियंसी बढ़ेगी। मैं तो यही चाहूँगा ना, मेरी इच्छा तो यही होगी कि इसमें बेकार में कोई हीट मेरी जाएगी ना, पर मेरी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ हीट ज़रूर बेकार जाएगी। तो मेरी तो इच्छा 100% इफिशियंसी की है। तो यहाँ टेम्परेचर कम करोगे तो इफिशियंसी तो बढ़ेगी, तो देयरफॉर द इनिशियल इफिशियंसी का डबल हो जाता है। अगर मैं 62 इसमें कम कर देता हूँ तो इफिशियंसी इसका डबल हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स, पहले सिंक का पूछा है, T2 पूछा है, फिर T1 पूछा है। ध्यान देना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहले T2 पूछा है, फिर T1 पूछा है। तो पहले इस डेटा को, ईटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - T2/T1 दैट इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि T2/T1 दैट इज 1/6 दैट इज 5/6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको ऐसे ही रहने दो, अच्छा लग रहा है ऐसे ही ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरे कंडीशन को सॉल्व करते हैं। आपने टेम्परेचर घटाओ और इफिशियंसी डबल कर दो, 62 कम करो तो इफिशियंसी 1/6 का डबल, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 - T2 - 62/T1। ये दूसरा वाला कंडीशन है। तो ये 1 - T2 - 62 और T1 इज इक्वल टू 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो यहाँ से सॉल्व कर लें हम लोग, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × T2 - 60 = 186 इज इक्वल टू 2T1। अब हमें क्या चाहिए? T2 पहले चाहिए, तो T1 की वैल्यू निकाल के लेके आओ यहाँ से। तो T1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2T1। अरे किधर गए भाई T2? 6/5 है T1, 6/5 T2। ठीक है, तो 3 T2 - 12 T2/5 = 186। मतलब ये आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, मतलब ये आ जाएगा 3 T2/5 = 186। मतलब T2 की वैल्यू आ जाएगी 186 × 5/3। तो 3 से कट जाएगा 62 और ये आ जाएगा 310 ठीक है, 5 × 10 और 310 केल्विन। अब ये जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली T2 की वैल्यू देखो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, तो 273 इसमें घटा दो, तो इसमें -273 कर दो तो यह जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द T2। तो T2 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन मैच करो, पहले T2 ये कभी सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, तो यही सही है। ठीक है, T1 निकाल लेना, यहाँ से T2 रख देना, यहाँ ये T2 310 आया था, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी T1 वो आ जाएगी 6/5 × T2। तो 6/5 × T2 310 ठीक है, और ये आ जाएगा 62 37। इतना केल्विन आ जाएगा। अब इसमें से -273 कर दो ठीक है, तो 99 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द
दिस इज द टी वन, ये बी ऑप्शन सही है।